आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, आप ही रब आप ईमान बन गए। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू लव वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से ऐसी लव स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। और कुछ ही दिनों में वैलेंटाइंस डे भी है, तो उसके लिए भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो 16:9 वाली रेशियो को सेलेक्ट करनी है एंड अब मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड में 3 फ्रेम वाली पिक्चर को ऐड कर रही हूँ। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसमें पोजिशन को ऐड कर लेते हैं, इसको इक्वल रख लेंगे। और अब इसमें पिक्चर को ऐड करनी है, इसको क्रॉप कर लेंगे, मास्क को एनेबल करना है एंड शेप में आके इस वाली शेप को रख लेंगे और इस पिक्चर को रख लेते हैं इस फ्रेम में और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको स्किन करना है, तो इसी तरह से बाकी के 2 फ्रेम में भी पिक्चर को ऐड कर लेते हैं, इसको भी क्रॉप कर लेंगे। एंड 3rd फ्रेम में भी पिक्चर को ऐड कर लेंगे एंड इसमें भी सेम प्रोसेस। ओके, 3 फ्रेम में पिक्चर ऐड हो चुकी है एंड अब मीडिया वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड इसको कर लेंगे कैप्चर। कैप्चर होने के बाद इन 3 पिक्चर को यहाँ से रिमूव करना है और फिर से 3 पिक्चर को ऐड करके एक और इमेज को कैप्चर करनी है। तो मैं इसको अभी रहने देती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। एंड अब इसको भी डिलीट कर लेंगे एंड अब वीडियो में ऐड करेंगे 7 पिक्चर्स को। एंड अब इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रखनी है एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। एंड अब इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, तो प्रेजेंटेशन ट्रांजिशन इफेक्ट में आनी है एंड इसमें स्लाइड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो सारे में ऐड कर लेते हैं। पहले वाले में लेफ्ट वार्ड हो चुका है, तो अभी करेंगे राइट वार्ड एंड फिर अप वार्ड एंड लास्ट डाउन वार्ड। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा एंड इसको रखना है 30 सेकेंड। एंड अब इसमें एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ऐड करनी है और इसको फुल स्क्रीन करना है एंड इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेते हैं और इसको लास्ट तक रख लेंगे। ओके, एंड अब यहाँ पे ऐड करना है टेम्पलेट वीडियो को, इसको पूरे स्क्रीन पे फिट करना है एंड इसको करना है ब्लेंड, तो इसको स्क्रीन कर लेंगे। एंड अब जो वीडियो जो इमेज कैप्चर हुई थी उसको इसमें ऐड करेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन करना है और इसको लास्ट तक रख लेते हैं और इसमें इसको ब्लेंड कर लेंगे, स्क्रीन करना है और मूव एनिमेशन को ऐड करेंगे। तो की वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड स्टार्टिंग में यहीं पे रहेगी एंड एंड में प्लस करेंगे एंड इसको स्लाइड कर लेते हैं, तो इसको इस साइड रखना है एंड सेकेंड वाले को भी ऐड कर लेंगे
इसको भी फुल स्क्रीन करना है और इसको भी करेंगे ब्लेंड और इसको भी लास्ट तक रख लेते हैं एंड लास्ट में इसको करना है प्लस एंड स्टार्टिंग में ये रहेगा यहाँ पे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड अब अगर आप वैलेंटाइंस डे के लिए ये वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको आना है एंड यहाँ वैलेंटाइन डे लाइंस लिख लेते हैं। एंड इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे, शैडो को ऑफ कर लेते हैं एंड इसको रख लेंगे यहाँ पे और इसको भी लास्ट तक रखनी है। तो वीडियो पूरी तरह से क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग टेम्पलेट वीडियो के साउंड को ऑफ कर लीजिएगा एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।